अभी आपने उस प्रशासन की बिल्डिंग को देखा, तस्वीरें देखी जो पूरे जिले का प्रबंधन करती है, लेकिन खुद खस्ता हाल है। चलिए आपको कैप्टन सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी दिखाते हैं। बरनाला का ये सिविल अस्पताल, यहाँ लेट लतीफी का आलम ऐसा है कि डॉक्टर साहब समय पर नहीं आते। मरीज बेशक घंटों लाइन में इंतजार क्यों ना करते रहे, हद तो तब हो जाती है जब एक डॉक्टर के निधन पर पूरे सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दरअसल अस्पताल के एक डॉक्टर का निधन हो गया तो आधे से ज्यादा स्टाफ अस्पताल को राम भरोसे छोड़ छुट्टी पर चले। समस्या है जी, इतना तो हम एक पखा डर रहा है, बाकी पखा नहीं है, दूसरा दूर तक खड़ी रहती है गर्मी, घंटा घंटा भरी नहीं होती पर्ची में, देखभाल नहीं हो रही। कितने पखे लगे जी? तीन पिछले पास लगे हुए, एक पखा चल रहा है पूरे हाल। सिविल अस्पताल बरनाला में एक और जहां डॉक्टर समय पर नहीं आते, तो वही एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जो रोजाना समय से पहले आते हैं और सुबह से शाम तक मरीजों का इलाज करते हैं। मनप्रीत सिंह ओपीडी और इमरजेंसी सभी सेवाओं को देख। असीं डेंगू वार्ड, क्योंकि एक इधर खुडी खुर्द दे विच पेशेंट आ रहे सीगे, तां उहदे लई स्पैशल एक वार्ड तैयार किया जिहदे विच मतलब ताकि किसी होर नूं ना इहदा इनफेक्शन हो सके। मच्छरदानियाँ वगैरह लगवाइया, आई वी फ्लूड वगैरह रखे हुए हैं, स्पैशल वो अपने स्टाफ नर्स वो तैनात किए हुए हैं, एंड नाल दी नाल ही पेशेंट के अटेंडेंटा अवेयर किया जाता गा ताकि आपके घर के आपके आले दुआले जाके सारी सफाई कर सकन, ताकि होर लोगों को यह बीमारी ना हो सके। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की माने तो अस्पताल में 28 के करीब डॉक्टर हैं, सिर्फ 3 डॉक्टर्स की कमी है जिसके लिए सरकार को खत लिखा गया है। साढ़े को तकरीबन डॉक्टर साहबान 28 के करीब है टोटल, पर हाले भी साढ़े को एक तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होंगे ने वो नहीं है, स्किन के डॉक्टर साहब नहीं है, तो एक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर है BTO उन्होंने भी पोस्ट खाली है। ये तो डॉक्टर की घाट है, बाकी उस तो बाद साढ़े को स्टाफ नर्सा की क्लास फोर की घाट है, वो करके सूँ एक वार्ड तकरीबन बंद ही रखना पै रहा स्टाफ नर्सा क्लास फोर की घाट करके। अधिकारियों की माने तो इस अस्पताल में डॉक्टर की कोई खास कमी नहीं है, लेकिन मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार क्यों करना पड़ता है, सवाल ये बड़ा है। बरनाला से राजेश गोयल, लिविंग इंडिया न्यूज।